हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जो कि वो कहते हैं जो हमारी गेमिंग होती है ना वो वेस्टिंग ऑफ टाइम है, यानी उससे कुछ मिल नहीं रहा है, तेरे को नॉलेज नहीं मिल रही है और दिन भर कंप्यूटर में खटर 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 लगा रहता है, कोई पढ़ाई वाली चीज़ भी उसमें नहीं मिल रही है, दिन भर कंप्यूटर में खटर खटर रहता है। और अगर भाई बात आती है उनके खेलने की आउटडोर गेम्स, जैसे फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया और अलग अलग टाइप के गेम्स हो गए, तो उसमें उन लोगों भाई हेल्प तो बनती है भाई, उन लोग को सिंपली से भाई बच्चे को वाटर बिल्डर बनाना है, लेकिन वो बात ठीक है। अगर हम लोग गेमिंग मामले आए तो गेमिंग में कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब हम लोग कंप्यूटर में गेम अगर रगड़ा मार रहे हैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या मतलब है। अगर भाई यही पड़ोसी लोग कहते हैं भाई चेस लड़का खेल रहे, चेस में तो भाई बहुत दिमाग लगता है, लेकिन चेस में क्या दिमाग लगता है, चेस में तो भाई सोसाइटी ने तो घुसा देना चेस में दिमाग लगता है, लेकिन कुछ नहीं दिमाग लगता चेस में। अगर हम भाई बात करें, चलिए चेस को छोड़िए, कंप्यूटर के गेम्स की बेनिफिट की बात करते हैं, भाई कितना सब्जेक्ट हम लोग ने पढ़ा होगा, कितने सब्जेक्ट्स में ऐसे ऐसे वर्ड है जो हम लोग देख के भी उसको समझ नहीं पाते कि वो क्या है यार, एक बार आया माइंड में आ गया, ये ऐसा कोई बंदा नहीं कि एक बार माइंड में आया तो उसको घुसा लिया उसके बाद उसको निकाल के यूज़ ही नहीं करता है। भाई ऐसे 99.9% ऐसे लोग हैं जो खाली एक बार पढ़ लिए कि भाई ये लिखा है फला जगह, तो भाई ये चीज़ वो अपने दिमाग में बैठा ले, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एक बार में ये चीज कर सकता है। भाई गेमिंग से भी बहुत सारी चीज़ हम लोग को बेनिफिट्स हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं भाई, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एमओ भाई, ये एमओ का मतलब हम लोग ने गेमिंग से सीखा यार, अभी 50 जगह बुक में आता है एमओ एमओ एमओ, समझ में आता है यार, नहीं आता क्योंकि हम लोग ने गेमिंग से सीखा यार। एमओ हो गया, वेपन हो गया, रिज्यूम हो गया, रिज्यूम भाई कंटिन्यू हमारे आईसीटी के ज़माने से चला आ रहा है, उसको तो छोड़ो यार। लैंड माइन हो गई वेपन में, और क्या नाम है AK-47 हो गई, कितनी सारी गन्स है, क्या क्या दुनिया भर का है भाई, समझ में आता है ना यार। अगर और भी गेम के और बढ़े तो यार नीड फॉर स्पीड हो गया, नीड फॉर स्पीड क्या है, नीड फॉर स्पीड में हम लोग कितनी गाड़ियों का नाम मालूम चल गया, जैसे मान लीजिए लंबोगनी हो गया, ऑडी हो गया, एवेंडेटर हो गई, और कौन सी बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन लोगों का नाम हम लोग को मालूम है गेमिंग खेल खेल के, तो भाई मालूम चल रहा है क्या हम लोग एकदम रेंगते थोड़ी ना। स्कूल जाओ भाई, आपको स्कूल में, हाँ भाई ठीक है, स्कूल में आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा, टेंसेस सिखाए जाएंगे, एडजेक्टिव सिखाए जाएंगे, नाउन सिखाए जाएंगे, प्रोनाउन सिखाए जाएंगे, वर्ब सिखाए जाएंगे, कितने सब्जेक्ट्स आपको सिखाए जाएंगे, लेकिन मतलब मेनली आप लोग उसको याद थोड़ी ना करोगे। ये मान लो भाई आपको इतना वर्ड दे दिया, आप लोग फला लो भाई याद कर रहे हो इतना बैठ के कि मतलब ये दे दिया और एक बार दिमाग में घुसा लिया कि भाई तुझे ये याद रखना है, ऐसे दिमाग में नहीं आने वाला यार। अभी हम लोग गेमिंग खेलते हैं जो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेनाइट आ गया, एमओ आ गया, और वेपन आ गया, हैमर आ गया, और स्क्रू ड्राइवर आ गया, ये सब भाई हमारे जो गेम के ही अंदर से तो हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग को इसमें बुक में वो बात आती है तो वो समझ नहीं आती, जैसे हम लोग के गेम के अंदर बात आती है तो वो दिमाग में घुस जाती है यार। जी बाबा आते हैं, रिज्यूम करना है, स्केप कर दिया, उसके बाद वापस हमें रिज्यूम करना है, तो हाँ रिज्यूम कर यार, याद रहता है ये, रिज्यूम का मतलब होता है कंटिन्यू यार, सिंपली सी बात है भाई, इसको कौन नहीं समझेगा। और अगर हम लोग उसकी और बेनिफिट्स की बात करें भाई, अगर मान लो आप 18 घंटे स्टडी करते हो, मान लो 5 घंटा स्टडी कर लिया आपने, 8 घंटा स्टडी कर लिया, 18 घंटा करोगे, 24 घंटे करोगे, पागल हो जाओगे, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना है यार, खाना खाने तो पानी पी लोगे यार, मैं मतलब बता रहा हूँ आप ऐसा, मतलब कोई भी चीज़ आप लिमिट में करो ना, जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, एक प्लेट दाल रोटी खाया चलता है भाई, दो प्लेट खाया चलता है, तीन प्लेट भी खाया चलता है, चार प्लेट खाओगे, पाँच मिनट खाओगे, छः मिनट खाओगे, सात मिनट खाओगे, मतलब इतनी प्लेट खा लोगे ना उसके बाद आपको क्या होगा, उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी, तबीयत खराब हो जाएगी, कोई बेनिफिट्स नहीं है। हर काम को लिमिट में करके किया जाए ना तो वो सबसे बेस्ट होता है। अनलिमिटेड करो, मान लो आपका मतलब भाई इस क्लास में टॉपर है, अगले क्लास में भी टॉपर जाएंगे, उसके ऊपर भी टॉपर देंगे, जाते रहेंगे, तो फिर वो वहाँ पे आके आपका काम बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है भाई, क्योंकि आपका जो है वहाँ पे माइंड रिफ्रेश नहीं हो पाता है भाई, इस क्लास में टॉपर आते, सेकंड क्लास में भी टॉपर ही आएंगे, हम भारत ना वो है ये हम आ जाएंगे भाई। बहुत से लोग जो कि मेरे को कमेंट में लिखा था भाई तू भटका रहा है वीडियो से, ये कर रहा वो कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, तो मैंने समझ गया कि भाई ये लोग के पास कुछ ज़्यादा ही दिमाग है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, ये इतनी ऊँचे पे पहुँच गए ना, अगर हम लोग उनकी तक पहुँचने की कोशिश करें तो हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं पहुँचने वाले, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई पढ़ रखी है, तो अब क्या बताएं हम लोग उनके सामने तो आ नहीं सकते, इसलिए इन लोगों के लिए मैंने वीडियो जो कि वो बनाया है। तो भाई अगर हम और उसकी बेनिफिट्स की गेमिंग बात करें, अगर नॉलेज की बात करें तो भाई जैसे मान लीजिए हम लोग सैन एंड्रियास हो गया, या फिर ऐसे कोई भी बहुत सारे गेम हो गए जिसमें हम लोग को अलग अलग टाइप के मतलब बढ़िया और बेस्ट गेम्स देखने को मिलते हैं। मैंने मान लीजिए बहुत सारे ऐसे गेम है, GTA 5 ही अब है कि भैया हमारा ना रॉकस्टार गेम्स लॉन्च हुआ है, तो भाई उसमें
क्या नाम है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, ऐसे गंदे वर्ड्स भी आते हैं, सही वर्ड्स भी आते हैं, अच्छे वर्ड्स भी आते हैं, आपको बोलने के लिए वर्ड्स भी आते हैं, जो कि हमारे गेम खेलते खेलते हम सब चीज़ सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग बुक में पढ़ रहे हो बैठ के ये 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 रट्टा मार रहे हो, लेकिन आपको रट्टा का मतलब नहीं मालूम कि भाई ये पढ़ना है यार, भला दिस इज़ माई नोटबुक, दिस इज़ माई नोटबुक, दिस इज़ माई नोटबुक, भाई मतलब नहीं मालूम, आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मतलब कुछ उसका मतलब आता है। अगर हम लोग का यही लाइन अगर हम लोग की GTA 5 के सब टाइटल में आ जाए, हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि गेमिंग से भाई कोई बेनिफिट नहीं मिलता भाई, ये तो कोई बात नहीं होती ना यार। और भाई बहुत से लोग जो कि वो कह रहे थे कि क्या नाम से भाई, अभी देखिए ट्वेल्थ में जो कि वो स्टडी करने चले, अगर मान लीजिए ट्वेल्थ के लोगों को जो ट्वेल्थ अभी पास करें, मतलब ट्वेल्थ से अभी जान छुड़ा के निकले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो 95% किसी को टेंस नहीं आता है, ये मैं बता रहा हूँ, अपनी गारंटी दे रहा हूँ, 95% किसी को टेंस नहीं आता है, कोई के दिमाग में इतना घुसा नहीं है। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि गेमिंग आपको नॉलेज नहीं देती, हर काम को लिमिट में करिए आप, तो हर काम आपके लिए अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए मैं 2 घंटा गेमिंग कर रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए मैंने 2 घंटा गेमिंग किया, 4 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद वापस मैंने 2 घंटे गेमिंग किया, तो मेरे को सब चीज़ लर्न रहेगा भाई, एकदम सब चीज़ एकदम मेरे दिमाग एकदम बेस्ट तरीके से रन करता रहेगा, मेरे को कोई ऐसा डाउट नहीं होगा भाई फला जगह क्या था यार अभी क्या है। तो भाई मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि गेमिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप उसको कायदे से यूज़ करेंगे तो फिर कायदे से वो आपको साथ देगी, बुरे तरीके से यूज़ करेंगे यानी 24 घंटा खाली गेमिंग गेम खेलने पढ़ लिख नहीं रहे और मतलब फलाना ढिमकाना, मैं आपको बात बता रहा हूँ, कायदे से हर चीज़ का जिस चीज़ का यूज़ करिए आप, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, और जो चीज़ बुरे से यूज़ करेंगे तो फिर वो चीज़ बुरी मानी ही जाएगी। तो मैं आज की वीडियो में नहीं बताने वाला था, क्योंकि भाई से बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई मेरा तू ऐसा दिमाग भटका रहा है, भाई वैसा दिमाग भटका रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, तो मैंने कहा भाई ऐसा हम छोड़ दो यार, मतलब नहीं है। आज की वीडियो में इतना मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।